आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Which of the following has extra nuclear DNA? पूछा गया है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA या न्यूक्लियस को छोड़ के कहाँ DNA पाए जाते हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि एनर्जी प्रोडक्शन के काम में देखा जाता है, यानी ATP प्रोडक्शन। और ये हम कह सकते हैं कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बोला जाता है। सेमी ऑटोनोमस इसीलिए बोला जाता है क्योंकि क्या होता है कि इनमें जो जो एक्शंस देखे जाते हैं वो पार्शियली इंडिपेंडेंट एक्शंस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे cDNA पाया जाता है इंडिविजुअली, फिर अगर देखा जाए तो यहाँ पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अदर सब्सटेंसेस भी यहाँ पे पाए जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं टू डू ऑल द प्रोसेसेस। तो इसी हिसाब से अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो एक्स्ट्रा सेलुलर या फिर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, जो कि बेसिकली सारे काम या फिर एनर्जी प्रोडक्शन के काम सारे कर जाते हैं। वहीं पर लाइसोसोम का बात करें तो लाइसोसोम ऐसे ऑर्गेनेलीज होते हैं जिसको कि सुइसाइडल बैग बोला जाता है। सुइसाइडल बैग इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें मोस्टली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है वो पाए जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं डिसॉल्व करने में जो भी सब्सटेंसेस होते हैं। गॉल्गी बॉडी का मेन काम होता है यहाँ पे पैकेजिंग का, और जो भी पैकेजिंग होता है सब्सटेंसेस का जो ER से यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं वो गॉल्गी में ही देखा जाता है। और रहा बात यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो ये मेन ऑर्गेनली होते हैं जहां से प्रोटीन और साथ में लिपिड्स जो है वो फॉर्म करके बाहर आते हैं। तो इसी हिसाब से करेक्ट आंसर जहाँ पे DNA पाया जाता है वो हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, और बाकी किसी में भी DNA जो है वो इंडिपेंडेंटली नहीं पाया जाता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।